नमस्कार, नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज 1 फरवरी है, 2021 है, दिन सोमवार है, साल का 32वां दिन है और साल के 333 दिन अभी बाकी है। आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो आज के इतिहास में 164 साल की पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का आज ही के दिन हर स्टूडेंट की लाइफ का जो कि एक हिस्सा है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 1 फरवरी 1884 को पहली बार पब्लिश हुई। हालांकि इसे बनाने की शुरुआत 1857 में हो गई थी और वर्तमान में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 20 वॉल्यूम मौजूद हैं। इसमें 60 मिलियन लगभग 6 करोड़ शब्द मौजूद हैं। इसका वजन 62 किलो से ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर डिक्शनरी में शामिल सभी शब्दों को टाइप करें तो 120 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है। और आज के दिन 1884 में डाक बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। डाक जीवन बीमा देश की सबसे पुरानी बीमा योजना है। यह भारत सरकार की एक जीवन बीमा स्कीम है। दरअसल पोस्ट ऑफिस अपने बुनियादी काम के साथ जीवन बीमा पॉलिसी भी बेचता है। और प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है और स्वतंत्र भारत में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI की शुरुआत ने इस स्तंभ को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। और PTI की स्थापना 27 फरवरी 1947 को मद्रास में की गई थी, लेकिन आज ही के दिन 1 फरवरी 1949 का दिन देश की पत्रकारिता के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर बना, जब PTI ने ब्रिटिश संवाद समिति राइटर्स की भारतीय इकाई एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया का अधिग्रहण किया और समाचार संप्रेक्षण शुरू किया। देश के प्रमुख समाचार पत्रों द्वारा संचालित यह संस्था आज दुनिया भर के खबरों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के मामले में अपनी मिसाल खुद है। और 1 फरवरी का दिन एक दुखद घटना का भी गवाह है। दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के दिल में एक टीस बनकर बसा हुआ है। 2003 में आज ही के दिन अमेरिका का अंतरिक्ष शटल कोलंबिया अपनी अंतरिक्ष मिशन समाप्त करने के बाद धरती के वातावरण में वापस लौटने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। भारत की महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला इसी हादसे में मारी गई थी। कोलंबिया में मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर गई कल्पना भारत में हरियाणा के करनाल में 1 जुलाई 1961 को पैदा हुई और पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिक इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे नासा के लिए चुनी गई थी। और रुक करते हैं नारद संचार की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। तो आज हमारे देश का बजट आने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बजट का सत्र शुरू होने से पहले विश्वास व्यक्त किया था कि वर्ष 2021-22 के बजट को कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन के असर को समाप्त करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले 10 महीनों में घोषित पैकेजों के हिस्से के तौर पर देखा जाएगा। यह वर्ष केंद्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा और इसे एंड्रॉयड या iOS प्लेटफॉर्म पर दोनों मोबाइल एप्लीकेशन यूनिट बजट के माध्यम से देखा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी में मन के बात कार्यक्रम में तेलंगाना के सिकंदराबाद के बाइनापल्ली सब्जी मंडी की बात करी, उनका उल्लेख किया, जो किसी भी एक अन्य मंडी की तरह है, लेकिन जहां से रोजाना 10 टन कचरा निकलता है, लेकिन यह सब्जी मंडी ऊर्जा संरक्षण और संसाधन का एक अनूठा उदाहरण है। यहाँ कचरे के इस्तेमाल से 500 यूनिट बिजली और 30 किलोग्राम जैव ईंधन का उत्पादन किया जा रहा है, जो कि एक सकारात्मक पहल है। और भारतीय तटरक्षक बल आज अपना 45वां स्थापना दिवस मनाएगा। भारतीय तटरक्षक बल अपने अथक उत्कृष्ट प्रयासों के माध्यम से स्वयं को एक ऐसे विश्वसनीय बल के तौर पर स्थापित कर चुका है जो तटरक्षक की सुरक्षा, मछुआरा समुदाय और तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर असर डालने वाली परिस्थितियों से तत्परता से निपटता है। और अमेरिका में बाइडेन ने सत्ता संभालने के बाद अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों को बड़ी राहत दी है, जिसके अंतर्गत अमेरिका में कानूनी दर्जे के बिना रह रहे 10 लाख लोगों को 8 साल के लिए नागरिकता देने का प्रावधान है, जिसमें 5 लाख भारतीय शामिल हैं। और इसी बीच अब UAE से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।
यूएई ने घोषणा करते हुए कहा है कि वह पेशेवर विदेशी नागरिकों को अपनी नागरिकता प्रदान करेगा और सबसे खास बात यह है कि वहां पे काम कर रहे लोगों को ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को भी नागरिकता दी जाएगी, जो कि एक सुखद खबर है। और अंत में लेह से कारगिल जाने वाली सड़क को टूरिस्ट हाईवे का रूप दिया जाएगा। केंद्र सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने एक प्रारूप तैयार किया, एक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत लेह कारगिल के बीच 230 किलोमीटर हाईवे पर नियमित अंतराल पर पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाओं को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर हर 25 किलोमीटर की दूरी पर ऑक्सीजन पार्लर खोले जाएंगे, जिसे लेह से कारगिल का सफर आसान और आकर्षक होगा। भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों में आज इतना ही, कल सुबह फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, हमारी इस पहल को आप सभी लोगों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो दिन की शुरुआत है वो सकारात्मक हो सके। नमस्कार।